हेमा दिस साइड और वेलकम टू आज रुकल अकेडमी। अभी हम पढ़ेंगे पर्सनावली 3.5 और जिसमें एक अलग विधि आई है जो रैखिक समीकरण है इनको सॉल्व करने की एक अलग विधि है। तीन विधि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हम पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये जो पर्सनावली है, ये जो विधि है बहुत ही इजी विधि है, तो इसको अच्छे से समझना। पर्सनावली 3.5, इसमें देखो पहला सवाल क्या दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी जो रैखिक समीकरण हैं, अगर इनकी रेखाएं खींचे हैं तो अगर वो प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को तो वो होता है अद्वितीय हल, क्योंकि वहाँ पे एक ही बिंदु होता है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो हमें एक बिंदु मिलता है तो उसके x और y के एक एक मान होते हैं, तो वो होते हैं अद्वितीय हल। किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर समीकरणों के अनंत हल हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल हैं या कोई हल नहीं है, तो वहाँ पे हमें हल ज्ञात नहीं करना है। वो कैसे ज्ञात करते हैं अभी हम देख लेंगे। ठीक है, और पहले भी हमने मैंने ये करवा रखा है, तो अभी देखना और समझना। तो पहला क्या दे रखा है इसमें, एक्स -3y -3 बराबर 0 और 3x -9y -2 बराबर 0, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, हमें पता करना है ना कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। तो इसके लिए हमें पता है वो तीन शर्तें होती हैं, समांतर की, संपाती की और प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो उसके क्या करते हैं, हम a1/a2 ज्ञात करते हैं। a1/a2 बराबर कितना है, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। ये तुम्हें पता है a1 a2 क्या होता है अगर तुमने पीछे वाली प्रश्नावलियाँ देखी हैं तो। अब b1/b2 क्या है, देखो b1 बराबर -3 और b2 कितना है -9 बराबर 1/2 हो गया, ये तो ये भी 1/3 हो गया, 3 ने 9 को काट दिया 3 बार। ठीक है, और c1/c2 ये क्या हो गया, c1/c2 क्या है, -3/2 यानी 3/2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ये देखो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर है, कितना बराबर, तो a1/a2 1/3 है और b1/b2 भी 1/3 है, तो जब ये बराबर है ये तो बराबर हो गए। और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि ये इसका मान अलग ही आ रहा है। जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि इनके जो ये जो रैखिक समीकरण युग्म में इनके जब हम रेखाएं खींचेंगे तो समांतर रेखाएं आएंगी। ठीक है, ये किसका होता है, प्रतिबंध होता है, समांतर रेखाओं का प्रतिबंध होता है। तो समांतर रेखाओं में हमें पता है कि कोई हल नहीं होता, समांतर रेखाएं क्योंकि एक साथ एक दूसरे के साथ ऐसे चलती रहती हैं, उसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोई हल नहीं है, मतलब आगे हमें हल ज्ञात ही नहीं करना है, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, बस इतना ही बताना है हमें, कोई हल नहीं है, बस इतना ही। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है समांतर रेखा का प्रतिबंध होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें हमें हल नहीं करना आगे, क्योंकि हल होगा ही नहीं। अब आगे है दूसरा, दूसरे में क्या है, देखो पहले का दूसरे में कि 2x+y = 5 और इसको हम देखो इसको इधर ले आते हैं, 2x+y - 5 = 0 हो गया। ठीक है, इसके नीचे वाले समीकरण है 3x+2y = 8, तो 8 को भी इधर ले आते हैं, तो 3x+2y - 8 = 0, एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई। अब ध्यान से देखना कि क्या करना है हमें, ऊपर लिखना है यहाँ पे x, यहाँ पे ऐसे बट्टा में लिख देना, क्या लिखना है ध्यान से देखना, x
अब इन दोनों समीकरणों में देखो x वाले पद ये है ना, इनको छोड़ो, इसके आगे y और ये अचर पद, तो y वाले गुणांक क्या है यहाँ पे, एक, और यहाँ पे गुणांक क्या है, दो, यहाँ पे लिख लिया हमने एक और दो, समझा इस प्रकार से x के बट्टा में x वाले छोड़ने हैं और y का, अब तुम्हारा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसी से हमने ये समीकरण बनाई है। तो अगर x वाला छोड़ा और y के गुणांक एक दो हमने लिख दिया, इसके आगे माइनस पाँच और माइनस का आठ, ये हमने इसे लिख लिया, बराबर y बट्टा क्या करना है, y वाले छोड़ दो, y लिया तो y का y वाले छोड़ दो, आगे माइनस पाँच माइनस आठ दो और तीन, ये वाले लेना है, ठीक है, बराबर क्या करना है, एक बट्टा में लेना है ये दो तीन, एक लिया तो मतलब अचर वाले छोड़ने हैं, एक दो तीन और ये क्या, एक दो, एक दो। अब क्या करना है हमें, वज्र गुणा करना है इसको, तिरछा गुणा करना है, एक को माइनस आठ से गुणा करा, एक्स बट्टा माइनस आठ और दो को, देखो एक को माइनस आठ से गुणा करा माइनस आठ, आगे चिन्ह लगाना माइनस, ठीक है, इनको गुणा करा माइनस, इनको गुणा करना है, दो को पाँच से गुणा करा, दो को माइनस पाँच से गुणा करा, माइनस का दस, माइनस का दस, माइनस पहले से यहाँ पे पड़ा है और माइनस का दस आएगा तो ये प्लस का दस बन गया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, बराबर वाई बट्टा, इसको इससे गुणा करा, ये है ना यहाँ पर इससे गुणा करा, माइनस पाँच को तीन से गुणा करा तो माइनस का पंद्रह, ठीक है, और माइनस आठ को दो से गुणा करा सोलह, माइनस का सोलह, ठीक है, माइनस का सोलह, माइनस का सोलह, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से ही तो ये प्लस का सोलह हो गया, ठीक है, बराबर एक बट्टा, दो को दो से गुणा करा चार, माइनस तीन को एक से गुणा करा, तीन को एक से गुणा करा तीन। अब हमें क्या करना है, x के बट्टा में क्या आ गया, x के बट्टा में दस में से आठ घटाया दो, बराबर y के बट्टा में क्या आ गया, सोलह में से पंद्रह घटाया एक, बराबर एक के बट्टा में क्या आ गया, चार में से तीन घटाया एक, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, अभी भी हमारे हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने ना, मान निकालने, तो ये रहा x वाला पद, इसको हमें इस अचर के बराबर कर देना है, ठीक है, x बट्टा दो बराबर एक बट्टा एक, इस दो को उधर भेजेंगे, x बराबर क्या आ गया एक बट्टा एक और गुणा में आ गया ये दो, क्योंकि दो भाग में इधर भेजा तो गुणा में, x बराबर क्या आ गया दो, ठीक है, x बराबर दो आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पे ले लेते हैं x, अब क्या करते हैं y बट्टा एक, इसको बराबर कर देंगे एक बट्टा एक के, y बट्टा एक बराबर एक बट्टा एक, तो y बराबर क्या आ गया एक आ गया, एक को इधर भेजा तो, ठीक है, x बराबर दो और y बराबर एक आ गया, इस प्रकार से हमें सरल करने हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा सवाल था। पहले का तीसरा, पहले के तीसरे में देखो क्या है, तीन एक्स माइनस पाँच वाई और ये बीस बराबर में है ना, बीस को हम इधर ले आते हैं तो माइनस का बीस, ठीक है, बराबर जीरो, ये आगे क्या है छः एक्स माइनस दस वाई और बराबर में चालीस है ना, बराबर को इधर ले आए, चालीस को इधर ले आए बराबर से, तो ये माइनस का चालीस हो गया बराबर जीरो। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले हमें देखना है ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू, अब हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ए वन बट्टा ए टू बराबर है बी वन बट्टा बी टू के और ये बराबर है सी वन बट्टा सी टू के, कैसे बराबर है तुमने पहले पढ़ा है, मुझे पता है पढ़ा है, तो देखो ए वन बट्टा ए टू कितना आ गया तीन बट्टा छः, यानी इसको सरल करा तो एक बट्टा दो, ये जस्ट इसका डबल है ना, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, तीनों अनुपात सेम आ गए ना, ये माइनस माइनस है तुम्हें माइनस लग रहा है तो, लेकिन माइनस माइनस से कट जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का एक बटा दो आएगा, ये एक प्लस का एक बटा दो आएगा, ये प्लस का एक बटा दो आएगा, तीनों अनुपात समान है, तीनों अनुपात समान है तो हम बोल देंगे क्योंकि अब सीधा लिख देंगे कि ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो इसके हमें हल ज्ञात नहीं करने हैं, और अगर करना है तो कर लेना, हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, देखना तुम कैसे कर सकते हो, जो मैंने दूसरा कराया है उसकी वो विधि लगा के देखना तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, आगे जाके ना एक्स वाला और वाई वाला पद ही कट जाएगा, पद ही नहीं मिलेगा, तो एक्स वाई रहेगा ही नहीं, तो एक्स और वाई का मान कैसे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमें ये लिख देना बस इतना सा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, और मिटा दूँ मैं। इसके बाद में है पहले का चौथा, पहले का चौथा इसमें क्या है देखो, एक्स माइनस तीन वाई माइनस सात बराबर जीरो, तीन एक्स माइनस तीन वाई माइनस पंद्रह बराबर जीरो, ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, एक्स के बटा में
यहाँ से देखो पहले क्या करना, अनुपात देख लो, इसका अनुपात 1/3 आ रहे हैं, ये लिख लेना तुम, ठीक है। इसका अनुपात अलग आएगा, इनका इसका अनुपात एक आएगा, इसका अनुपात भी कुछ अलग आएगा, तीनों का अनुपात अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है मतलब हमें हल ज्ञात करना पड़ेगा, प्रतिच्छेद होगा। अगर करना ही है वैसे तो कर लो, चाहे a1/a2 कितना आएगा 1/3, b1/b2 कितना आएगा b1/b2 यानी -3/-3 यानी प्लस का 1 आ गया, ठीक है। और c1/c2 कितना आएगा -7/-15 यानी 7/15, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, आगे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है c1/c2 से, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद करेगी नहीं, प्रतिच्छेद करेगी तो अद्वितीय, यानी अद्वितीय का मतलब है उसके जैसा दूसरा नहीं होगा, यानी एक हल होगा, एक हल होगा तो हमें उसका वो हल है वो ज्ञात करना पड़ेगा। और कैसे ज्ञात करते हैं, x के बट्टा में क्या लिखते हैं, x वाला छोड़ देते हैं और इसके आगे वाला, यानी -3 और -3 और यहाँ पे -7 और -15 इसे लिख देते हैं, बराबर y के बट्टा में y वाला छोड़ देते हैं और क्या लिखते हैं -7 -15 और 1 और 3 लिख देते हैं, बराबर 1/1 के बट्टा में क्या लिखते हैं 1 और 3 -3 और -3 ऐसे हम लिख देते हैं। अब आगे सरल करते हैं, जैसे x/-3 को -15 से गुणा करें, आप 15 = 45 और -(+45), ठीक है। आगे माइनस, अब 7 * 21 दोनों ही माइनस किया तो प्लस के 21 आएंगे, ठीक है। 21 आगे, ये तो माइनस है, ये इस विधि में है, इस सूत्र में ही माइनस है, ठीक है। बराबर y के बट्टा में 7 * 21 और -21 क्योंकि ये 7 है और माइनस का है, आगे चिन्ह माइनस का, ठीक है। आगे 15 * 15 और ये माइनस का 15 क्योंकि माइनस का 15 लेकिन माइनस पहले से ही बढ़ा दिए, प्लस का 15 हो गया। बराबर 1/1 1 * 3 -3 और ये 3 * 3 = 9 एक मिनट, 1 को -3 से गुणा करा -3 और आगे लगाया माइनस, और 3 को 3 से गुणा करा 9 -9 1 को -3 से गुणा करा -9 ठीक है, लेकिन माइनस पहले से ही बढ़ाया तो ये +9 हो जाएंगे यहाँ पे। तो x/45 में से 21 घटाया कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 2 4 और 4 में से 2 गया 2 24। बराबर y/1 में आ गया -6 क्योंकि 15 में से 21 घटाया -6 और बराबर 1/ ये क्या आ गया 9 में से 3 गया 6 ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में तुम्हें पता है क्या करना है, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है करते हैं। ये आपने उतार लिया होगा और नहीं उतार लेते एक बार उतार लो ये, बाद में ये अभी मैं बताऊंगा और ये वाला आगे यहाँ पे सेल करवाता हूँ, ठीक है। अभी ये वाला मैं यहाँ पे सेल करवा रहा हूँ, x/24 बराबर ले लिया हमने 1/6 के, ये इसके बराबर ले लिया तो क्या हो गया, x = 1/6 गुणा हो गया 24 से, 24 इधर आया तो गुणा हो गया, तो ये है काट देगा 4 * 6 = 24 x = 4 ठीक है। ऐसे ही ये भी ले लेंगे इसके बराबर, ठीक है, y - 6 बराबर ले लिया हमने 1/6 के, तो y बराबर ये -6 इधर आएगा गुणा में, 1/6 के गुणा में आ गया -6 तो ये काट दिया -1 बार, y = क्या आ गया -1 ठीक है। ये तुम्हें इस प्रकार से गोल खराब नहीं करना, ऐसे मैंने तो समझाने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से कराया, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न है, पहला सवाल है वो समझ में आ गया होगा, और ये देखो बहुत ही इजी सा सवाल है, बस समझना है बस छोटी सी चीज़ कि x के बट्टा में क्या कैसे रखना है, x वालों को छोड़ के बाकी रख देना, y के बट्टा में y वाले पद को छोड़ के बाकी रख देना, और आगे 1/1 में अचर वाला छोड़ के बाकी ये चीज़ें रख देना, इनके गुणा रख देना, ठीक है। उसके बाद में सरल करना है, सरल करोगे तो फिर x वाला पद है इसके बराबर कर लेना, y वाला पद है इसके बराबर कर लेना, तो x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया पूरा, और आई होप कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि थोड़ी जल्दीबाजी है, तो
और फिर भी अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए सीखते रहे और सवाल मिलाते रहे।